हाय फ्रेंड, सुषमा की रसोई से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज सैटरडे है, बच्चों के स्कूल की और कॉलेज की छुट्टी है। सोचा कि उन लोगों को नमकीन पूड़ी नाश्ते में सुबह बना के दिया जाए, जिसके लिए मैंने मैदे ले लिए हैं। मैदे में डालने के लिए मैंने हल्का सा नमक, चुटकी भर जवाइन, चुटकी भर मंगरेला और चुटकी भर मोयन के लिए जरा सा मैंने तेल डाला है 2 चम्मच, और मैं 1 चम्मच इसमें दही ऐड करूंगी। दही डालने से क्या होता है, नमकीन पूड़ी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिला लूंगी और मिलाने के बाद एक डो रेडी करूंगी पूड़ी के लिए। मैदे को इस तरह गूंथने के बाद अब मैंने हाथ में ज़रा सा तेल लिया है। इस तेल से मैं मैदे को बिल्कुल चिकना कर दूंगी। मैदे का डो मैंने बना लिया है, अब मैं इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दूंगी। पूड़ी मैंने बेल ली है, अब मैं इसे फ्राई करूंगी। गर्मा गर्म खस्ता पूड़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। मेरे बच्चे इस नमकीन पूड़ी को या तो चाय के संग पसंद करते हैं या आम की मीठी लौंजी के साथ बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। पलट दूंगी। बरसात का मौसम है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और गर्मा गर्म खस्ता पूड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है नाश्ते में।